बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अफजाल अरशद आपके साथ कौन फूड्स कुकिंग चैनल पे। यहाँ पे हम आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाती हैं ये रेसिपीज़। तो जो जहाँ जहाँ जिस कोने में दुनिया में देखी जा रही हैं ये रेसिपीज़, तो उन सबको मेरा सलाम है और बहुत शुक्रिया आपको, आप इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत स्पेशल रेसिपी है तो बहुत सिंपल, दाल चावल हैं, लेकिन दाल चावल मटके के अंदर बनाए जाएंगे, मतलब मटका दाल चावल इनको बोला जाता है। आपको बहुत सारे शहरों में खाने के लिए भी ये मिलेंगे और इनका टेस्ट यूनिक इस वजह से है कि ये जो दाल है वो मटके के अंदर पकाई जाएगी। मटके के अंदर या मिट्टी के बर्तन के अंदर कोई भी चीज़ पकाई जाती है, जैसे हमने कुन्ना पकाया था, तो उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। मतलब वो जो फ्यूजन होती है, अगर आप लकड़ी पे पका रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अगर गैस पे पका रहे हैं साथ मिट्टी का बर्तन है तो फिर भी आपको बहुत बेहतरीन टेस्ट मिलेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर स्लो कुकिंग वाला प्रोसीजर है। मिट्टी का बर्तन काफ़ी मोटा होता है, आग जो है पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है, और एक दफ़ा गर्म हो जाए तो ठंडा होता भी टाइम लगता है। तो जो भी इसके अंदर कुकिंग होती है वो उसका जो प्रोसीजर ही चेंज हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा तेज़ हीट नहीं मिल रही होती इसको, एक एतदाल के साथ बराबर हीट इस बर्तन के अंदर जो भी चीज़ पकाई जा रही है उस वहाँ तक पहुँच रही होती है। तो हमने स्टार्ट करना है दालों से। दालें जो हैं वो मैंने इधर भिगो दी थी, जिसके अंदर एक पाव जो है मूंगी की दाल है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर है वो मूंगी की दाल की है, एक पाव। उसके बाद चने की दाल है, मसूर की दाल है, आधा आधा कप। तो ये दालों को मैंने लिया और इनको जो है अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इनको धो लिया अच्छी तरह। जब इनका पानी जो है वो गदला ना रहे, मतलब ऊपर से जो भी मिट्टी मैल वगैरह है और पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब आपने इनको पानी के अंदर भिगो के छोड़ देना। और इन दालों को तकरीबन इधर मैंने 3 से 4 घंटे तक भिगोया, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा फूल गई हैं, साइज़ में आलमोस्ट डबल हो गई हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं, कि अब इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इनको प्रेशर कुकर तो लगाना नहीं है। तो इसी तरह हम पकाएँगे तो इनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर आएगा और ये गलने में भी आसानी रहेगी इनको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये मटका है, आप हांडी हो आपके पास खुले मुंह वाली तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं इस मटके का इस्तेमाल करूंगा, इसका मुंह छोटा होता है और दाल जो है वो उबल उबल के बाहर नहीं गिरेगी। जिस तरह दाल जब पक रही होती है तो छींटे उड़ते हैं, तो इसके अंदर जो है छींटे अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आपने 1 कप घी डालना है, ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है लेकिन मैं घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये घी इसके अंदर डाल दें, हम पानी जितना इन दालों के अंदर जाएगा इस क्वांटिटी के अंदर तो हम वो सारा अभी डाल देंगे। तो इसके अंदर हम 2.5 लीटर पानी शामिल करेंगे इस मटके के अंदर। तो हल्की सी प्याज इसके अंदर हम डालेंगे, ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा जो होती है वो दालें ही जो है वो बिल्कुल मैश होकर उनकी अपनी ग्रेवी सी बन जाती है। तो प्याज इसके अंदर हल्के से फ्लेवर के लिए, मतलब कोई भी चीज़ आप पका रहे हो, बेशक एक यखनी ही निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप प्याज डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको बारीक काट लिया और ये इसके अंदर हम डाल देंगे। प्याज के बाद इधर मेरे पास एक टमाटर है जिसको मैंने छील लिया हुआ है। टमाटर जो है मोस्टली लोग दाल के अंदर शामिल नहीं करते, अगर आप कश्मीरी दाल चावल पका रहे हैं तो उसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पर्सनली मैं इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर शामिल करना पसंद करता हूँ, ताकि इसके अंदर एक सेवरी फ्लेवर, हल्का सा खटास आ जाती है दाल के अंदर, जो कि ओवरऑल फ्लेवर के साथ बड़ा कम्बिनेशन है बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसको जो है इधर हम बारीक स्लाइसिस के अंदर करके काट के डाल देंगे, ये अंदर ही मैश हो जाएगी, ये नज़र नहीं आएगी आपको। तो ये टमाटर जो है उसको काट के इसके अंदर हम डाल देंगे। मसालों में हल्दी और लाल मिर्च इस टाइम पे जाएगी, और नमक आपने अभी नहीं डालना, नमक हम जब दाल पकने वाली होगी तब इसके अंदर शामिल करेंगे, जब गल जाएगी मतलब, क्योंकि इस टाइम पे आप नमक डालें तो पक तो जाएगी आपकी दाल लेकिन उसके दाने थोड़े से सख्त हो जाते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टी स्पून हल्दी है। जो हल्दी है उसका कलर अच्छा होगा तो आपकी दाल का कलर भी अच्छा आएगा। लहसुन है जिसको मैंने बारीक बारीक काट दिया, और अदरक है जिसको बारीक काटा हुआ है। तो आप चाहें तो लहसुन को इस तरह बारीक काट के फ्लेक्स जो हैं उसके शामिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल गल जाएगा अंदर। वरना क्या करें, इन दोनों को पेस्ट बना लें और पेस्ट बना के शामिल कर लें। तो मैं पेस्ट ही बना लेता हूँ, उसको जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इधर मेरे पास ज़ीरा है, मैं काले ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि उसके इसका फ्लेवर जो है ज़्यादा बेहतरीन होता है, खुशबू बहुत बेहतरीन होती है इसकी। तो 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा लेके उसको मसल के इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इसकी जो खुशबू है वो अभी से निकलना शुरू हो जाए और हमारी दाल जो है वो महकने लगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट बना ली है, तो ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून बनेगी अगर भर के डालें तो, इसको इसके अंदर डाल देंगे।
अब अगर आपका चूल्हे पे पका रहे हैं तो आप मटके के अंदर चूल्हे पे भी पका सकते हैं, आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें बस। लेकिन मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो तंदूर है, कि जो तंदूर है उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। तो इधर मैंने उसको गर्म किया हुआ है तंदूर को, तवा उसके ऊपर रखा था, आग जल रही है अंदर, तो ये तवा अब हटा देंगे और इस मटके को हम ले आएंगे इधर अपने तंदूर के ऊपर। ये देखें जी, अब ये गर्म होगा इधर और इसको एक जोश आएगा। तो जैसे ही इस पानी को एक जोश आ जाए तो हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे, लेकिन इसको पहले एक दफ़ा गर्म करेंगे हम अच्छी तरह। पानी को हल्का हल्का जोश आना शुरू हुआ है, जो इसके अंदर हमने डाला था मसालों के साथ पानी और बाकी सारी चीज़ें। तो अब जो है इसके अंदर हमने दाल शामिल कर देनी है। ये दाल जो भिगो के रखी है इसका पानी आप निकाल लें पहले, और फिर जो है इसको इसके अंदर डाल दें। दालें शामिल करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे इधर उतनी देर तक पकाना है जब ये सारी दालें इसके अंदर मैश ना हो जाएं। ग्राइंडर नहीं चलाना है इसके अंदर, इसलिए इसको पकाना इतना है कि अच्छी तरह ये सारी मैश हो जाएं। अब इसको ढक के हम इधर पकने देंगे, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और ये दालें बेहतरीन पक जाएंगी सारी। 30 से 35 मिनट हो गए हैं और ये आलमोस्ट गल चुकी है। तो इधर देखेंगे ये इसकी कंडीशन है। अब इसके दाने जो हैं वो टूटना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अब इसको क्या करना है, मैंने काल के बल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें कि कलर जो है वो भी इसका जो है वो इस तरह येलोइश हो गया है। दाल जो है इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है। नमक पहले नहीं डाला था, अब दाल गल चुकी है तो नमक डाल सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून नमक इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। नमक डाल के इसको आपने अच्छी तरह घोटना है। ये इस तरह लकड़ी का घोटना आपके पास होना चाहिए जिससे इसको घोटा जाएगा। कुछ लोग इसके अंदर ब्लेंडर चला लेते हैं, लेकिन वो मज़ा वो नहीं आता जो कि ये जो घोटना है मिट्टी के साथ जब रगड़ खाता है तो उससे जो फ्लेवर बनता है वो एक अलग ही चीज़ है। तो इसको जो है आपने अच्छी तरह 5 से 7 मिनट घोट लेना। तकरीबन जी 10 मिनट घोटने के बाद ये अच्छी तरह दाल जो है वो घोटी जा चुकी है। इसको अगर करीब से आप देखें तो ये देखें, अब बिल्कुल इसका जो दाना है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और ये देखें, ये देखें हल्के हल्के दाने इसके अंदर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई इशू नहीं है। ये दाल जो है इसी तरह पतली होनी चाहिए जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है। ये देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़्लेवर है। इसको थोड़ा सा मैंने चेक किया, नमक वगैरह बराबर है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है कि ये मेरे पास 4 अदद सब्ज मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, इनको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले हमने इसलिए नहीं डाली कि ये साथ ही मैश हो जाएंगी दाने अंदर, और जो सब्ज मिर्च के टुकड़े हैं वो अंदर नज़र आएंगे। अब क्या होगा कि इनका फ्लेवर जो है दाल के अंदर आएगा, ये अपनी साबित कंडीशन में रहेंगी। बस इसको अब थोड़ा सा 7 से 8 मिनट आप दम दे दें और ये दाल जो है वो बेहतरीन तैयार है। तड़का जो है इस दाल को लगाना ज़रूरी नहीं है, ये इसी तरह डाली जाती है चावलों के ऊपर। अगर तड़का आप लगाना चाहें तो लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में तड़के से ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट इस टाइम पर। अब दाल के लिए चावल पका लेते हैं। चावलों के लिए हम जो इधर जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो है कि हम पानी इसी के अंदर सुखा देंगे। असल में दो तरीके हैं चावल उबालने के, एक है इसका पिच निकाल के, एक है पिच निकाले बगैर। पिच निकाले बगैर ये है कि पानी जो है इसके अंदर ही सुखा दें, तो उसकी जो पिच है, जो स्टार्च है, वो भी अंदर ही रह जाता है। अगर आप हेल्दी थोड़ा सा खाना चाहते हैं तो आपने पिच निकाल देनी है, मतलब जिस तरह हम पानी ड्रेन करते हैं उस तरीके से उबाल लें। तो ये जो है पिच अंदर रख के ये होता है कि चावल थोड़े थोड़े से खिले होते हैं और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो हम उसी तरीके से चलेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे इसके अंदर, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून गर्म मसाला शामिल करना है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इस मसाले को, ज़्यादा इसके अंदर ज़ीरा ही है, इसको आपने इधर भूनना है, जलाना नहीं है इसको। भून के इसके अंदर जो है पानी शामिल कर देना। ये मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। 1 किलो चावल है जिनको भिगो के रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल लें और इसको सिंपली इधर उबाला देना है आपने। जैसे ही उबाला आने लगे आपने चावल शामिल कर देना है। और जो चावल है मेरे पास, वो चावल इधर हैं
स्टीम्ड राइस, एक राइस की वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको चावलों के बारे में अंदाज़ा नहीं होता तो आप वो वीडियो देखें, बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आधे से पौने घंटे के लिए भिगोया था, ये चावल हो गए हैं सफ़ेद बिल्कुल, इसी तरह हमें सफ़ेद चाहिए होते हैं। तो जैसे ही पानी को उबाला आ जाए फिर उसके अंदर हम ये चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है तो चावल जाएंगे इसके अंदर। इन चावलों को इधर पकने देना है, ढक्के भी ना, इसी तरह पकने दें जिस टेम्परेचर पे आग को जो पानी को जोश आया, मतलब कि मीडियम टेम्परेचर पे हम पका रहे हैं, तो उसी पे इसको अच्छी तरह इधर उबाला आने दें। पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा, फिर इसको हम दम लगा सकते हैं। पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, अब इसके ऊपर कुछ साफ़ कपड़ा रखें और इसको दम लगा दें जिस तरह चावलों को लगाते हैं। तकरीबन जी 23 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, इसका दम खोलते हैं और देखते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। ये देखें जी, चावल देख लें, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो चावल हैं वो लंबे ग्रेन्स होते हैं पानी अंदर रखने से। ये देखें किस तरह लंबे लंबे चावल हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं ज़्यादा अच्छी तरह। ये मसला नहीं होता कि चावल जो हैं वो सख्त रह जाएं या उसके अंदर कोई इस तरह का मसला रह जाए। तो जी आपके बेहतरीन मटका दाल चावल जो हैं वो तैयार हैं। मटके में भी डाला जा सकता है इनको, या आप किसी भी बर्तन में डाल लें। मटका ये है कि वो यूज़ करते हैं कमर्शियल लेवल पे ताकि उसको पार्सल वगैरह करना आसान हो, तो हम जो है इसको इसी तरह मिट्टी के बर्तन के अंदर सर्व कर लेंगे। और इसका जो टेस्ट है वो नज़र ही आ रहा होगा आपको किस तरह बेहतरीन है। सादा डिश है लेकिन जायका बहुत बेहतरीन है, और सैलड के अंदर भी आप डिफरेंट वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला टेस्ट है। दाल जो है सब्ज़ मिर्च जो हमने शामिल की थी उसकी वजह से थोड़ी सी करारी हो गई है, और ज़बरदस्त फ्लेवर मुझे मिल रहा है। ये थी रेसिपी दाल चावल की, मटका दाल चावल। इसको ज़रूर एक दफ़ा बना के घर पे ट्राई करें, कोई भी हांडी हो उसमें दाल बना लें, चावल अलग से बॉयल कर लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।